जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले 10th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ था, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे माता पिता का, अपने अध्यापकों का, अपने स्कूल का और अपने पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। अब मैं एक एक करके सभी बच्चों की वो प्रीवियस डेज पे आए और अपने हाथों से बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट। कैसे जीत और हार होना सोच पर निर्भर करता है, जीत और हार होना सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। व्यक्त करें स्टेज पे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, टॉप मेंबर्स, ऑनरेबल पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल हर साल की तरह इस साल भी जो स्कूल का रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा है और अच्छे टीचर जो हैं, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस टीचर जो हैं वो उनको अरेंज किया गया। उसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट दैट इज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स का भी काफ़ी सेक्रीफाइस रहा कि उन्होंने मतलब बच्चों को मोटिवेट किया, टाइम पे उनको खाना दिया, टाइम पे उनको जगाया, मतलब कि इवन अपना काम छोड़ के जो है वो टाइम जो है वो बच्चों का, टीचर जो है बच्चे अरेंज नहीं होते तो फिर भी उसका भी मतलब सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है उसमें भी लैकेज रह जाती है। उस लैकेज के कारण भी जो रिजल्ट है वो बच्चे अच्छा नहीं दे पाते। तो मैं पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मतलब इतना टाइम बच्चों को दिया है, मतलब कि अपने टाइम को पीछे छोड़ के अपने काम को बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, इसलिए आज बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो सबसे जो मेन जो हमारे तकरीबन 47 स्टूडेंट्स ने जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, उसमें हमारी 21 डिस्ट्रिक्शंस हैं, एक रूरल एरिया में बहुत मायने रखता है, इसके लिए क्लैपिंग करने जोर से रखता हूँ कि उसका नाम आना था अगर ये बीमार नहीं होती। अब किस सब्जेक्ट में इसको थोड़ा कम हुआ है वो अब मार्कशीट से ही पता चलेगा, तो इंशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट कमेटी, स्टाफ मेंबर्स सबकी ओर से पेरेंट्स को और बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले फ्यूचर के लिए कामना करता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी अच्छा रिजल्ट दिया है, आने वाले समय में भी आप इसी तरह से रिजल्ट शो करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। कार्यक्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में वो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जल्दी किए को भी आनंद का डर नहीं होता। तो एक बार सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के अध्यापकों के लिए जोर से कृपया वो स्टेज पे आए और जोर से हमें 97% अंक लिए हैं और हमारा सीने जो गर्व से ऊंचा कर दिया है, जोर से क्लैपिंग करें। कुछ पंक्तियां मैं बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी एक चाह है, जिंदगी एक चाह है, हर चाह की एक राह है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रिंसिपल सर जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे टीचर्स इस स्कूल में हमारे लिए प्रोवाइड किए हैं, और मैं टीचर्स को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया, इतना स्कोर किया, इतना गाइड किया कि आज हमें किसी बारे में आज में इतने अच्छे परसेंटेज मार्क्स इतने अच्छे आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसा ही करें, आगे वाली जो भी 10th क्लास आए वो भी इसी तरह से मेहनत करें। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। I am Muskan Chaudhary standing in front of you and thank you to all the teachers, parents who make me capable to secure 95% in matriculation examination.
While I couldn't come school for a year. All of this success goes to my best friend, come my elder brother, who bring out the very best in me, who always tries to make me understand what the actually thing is, who tells me what the hard work is and what the study is. And I'm very thankful to my parents, teachers, and my entire of the clapping chal rahi hai. धन्यवाद करते हो कि इतना साल जाकर मैं पहली बार देखी और थैंक यू कहता हूँ। जय हिंद जय भारत। हाँ जी, दो मिनट। आपकी ताली से ज्यादा मेरी आवाज आ रही है, तो एक जोर से क्लैपिंग करें। तो एक बार जोर से क्लैपिंग करें शुक्रिया के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सोनाली चौधरी, सोनाली एक बार जोर से क्लैपिंग करें प्लीज के लिए। बस क्या कर सकते हैं, कंप्लीट है अनकम्प्लीट है, पूरी इंफॉर्मेशन हमें गैदर प्रिंसिपल साहब तक हूँ स्टूडेंट भी रखे इसलिए तभी फ़ायदा देंगे जब आप किस चीज़ को समझोगे। अगर आपने मार्क्स ले लिए उसका आपको सही तरह से आप उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो इसमें आपका भी नुकसान है, आपके पेरेंट्स आपके टीचर जो इतनी मेहनत की है उसका भी नुकसान है। तो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर है उन्होंने आपके इतनी मेहनत की है और अच्छी रिएक्शन बताई है कि आप हमेशा पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव चलोगे तो आपकी जो लाइन है पढ़ाई की वो सीधी चलेगी, आप आगे सक्सेस मिले। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव लोगे तो आपकी सक्सेस जो है वो फेलियर में चेंज हो जाएगी। इसलिए आगे नेक्स्ट आपके जो फ्यूचर है उसके आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सको। तो थैंक्स।
क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस गोज टू टीचर्स पेरेंट्स एंड टू माय बेस्ट फ्रेंड टू माय बिग ब्रदर टू ब्रिंग आउट द वेरी बेस्ट इन मी बिकॉज़ ऑफ ऑल योर बच्चे शरारती भी बहुत शरारतों के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी अच्छी तरह से की है तो ये भी बड़ी अच्छी तरह से मेहनत की है और अपने स्कूल का नाम साथ साथ पेरेंट्स का अपने गांव का एरिया का ये नाम रोशन किया है और मैं चाहती हूँ इससे इंस्पायर होकर आगे आने वाले बच्चे भी इसी तरह से मेहनत करें और अपने एरिए का अपने स्कूल का पेरेंट्स का नाम रोशन करें। Next. 3, 2, 1, go.